Good afternoon, people of the internet. Hello, G. My name is Rov, and welcome to the first vlog of my new YouTube channel, 1 Mile at a Time. Today, we're at the iconic Jim Corbett National Park. Situated in the foothills of the Himalayas, this national park is located in the state of Uttarakhand. The park was established in 1936. That time, it was known as the Haley National Park. The name changed to Ram Ganga National Park in 1954, and finally, for the last time, it was renamed as Jim Corbett National Park in 1956. आपको वो 90s का दौर याद है, शुरुआत का, जब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होती थी और सारे बच्चे 1 बजे दूरदर्शन चैनल के सामने बैठ जाया करते थे अपनी फेवरेट कार्टून सीरीज देखने के लिए, द जंगल बुक। अब मोगली भाई साहब तो नहीं रहे, लेकिन जंगल बुक के जितने कैरेक्टर्स हैं वो आज भी इस जंगल में मौजूद है। द टोटल एरिया ऑफ द पार्क स्ट्रेचेस ओवर 1200 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। इट कवर्स 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एंड अल्मोड़ा। The Corbett Tiger Reserve is divided into 5 ecotourism zones. I'll rank them in order. Dikara. Dikara zone is the heart of Corbett Park. It is the main zone, followed by Bijrani on the second number, third Jhirna zone, fourth Dhela, and fifth Durga Devi. There's one more zone which has been recently added in the ecotourism zones, and that is the Garjia zone. तो भाई, अब Corbett National Park तो हम पहुंच चुके हैं। सफारी पे कहाँ जाया जाए, ढिकाला और बिजरानी तो बंद है, लेकिन पार्क का एक हिस्सा है जो सारा साल खुला रहता है, झिरना जोन। तो चलिए आज आपको झिरना जोन की सफारी करा के लेके आते हैं। मैं टाइगर देखने की गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि आपको टाइगर अगर नहीं दिखा तो आपको और भी जानवर दिख जाएंगे। सो बकल अप एंड लेट द एडवेंचर बिगिन। तो हम रामनगर पहुंच गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको रामनगर के बारे में बता देता हूं। रामनगर इज अ टाउन इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं। इट इज लोकेटेड अप्रॉक्सिमेटली 65 किलोमीटर्स फ्रॉम नैनीताल। रामनगर इज द गेटवे टू द कॉर्बेट नेशनल पार्क। द टाउन इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश कमिश्नर एच रामसे, हु एस्टैब्लिश्ड इन 1850 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल टी गार्डन्स वर डेवलप्ड इन रामनगर एंड नियर बाई विलेजेस इन उत्तराखंड। Finally, after a long journey, we have reached the resort, Riverside by Ahama. This property is one of the finest properties of the region and was constructed in 1989 and has hosted visitors from all over the world since its opening. Located near the Garjia zone of the Tiger Reserve, the resort is built on the banks of River Kosi and has been rated as one of the best hotels in and around the national park. तो अब हम ढेला गेट पहुंच चुके हैं, जहां से हमारी आज की झिरना की सफारी शुरू करी जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें यहां पे अपने परमिट्स चेक कराने हैं। मैं परमिट्स के बारे में आपको बता देता हूं कि ये जंगल के अंदर हर जोन के अंदर 30 गाड़ियां अलाउड होती हैं। मॉर्निंग सफारी के 30 परमिट्स और इवनिंग सफारी के 30 परमिट्स, इन टोटल दिन के 60 परमिट कटते हैं। परमिट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहां पे जाके उसको ओपन कर सकते हैं। ये लिंक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऑफिशियल वेबसाइट का है, जहां पे जाके आप अपनी डे विजिट और नाइट स्टे की सफारी के परमिट्स बुक करा सकते हैं। मैं नंदन मेहता, आपका नेचर गाइड। हेलो सर। ढेला गेट से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहीं पे दो जोन है, ढेला और झिरना। हम लोग झिरना जोन जा रहे हैं, लेफ्ट में ढेला जोन है हमारा, ठीक है ना। पूरा पार्क नेचुरल हैबिटेट में, कोई फेंसिंग नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, साइटिंग कहीं भी हो सकती है, प्योरली जंगल सफारी है। आप खड़े हो सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक ग्रासलैंड के एरिया में है और जो टाइगर और एलिफेंट का बहुत अच्छा हैबिटेट है। ये रेंज ऑफिस है, ये रेंजर ऑफिस, हाँ रेंज ऑफिस कम रेजिडेंस है रेंजर का, और कुछ एम्प्लॉइज रहते हैं।
दिस इज द रेंज ऑफिस ऑफ द झरना जोन. यहाँ पे पहले गांव होता था ना जिसमें हाँ जी 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 ये लाल ढंग वाला गांव विस्थापित किया है और ये सोलर फेंसिंग से कवर किया हुआ पूरा. डीसी करंट फ्लो हो रहा है. Monta lizard, one of the reptiles of the park. As you can see, all the gypsies have stopped now. We have just heard an alarm call from a monkey. कहा जाता है कि जितने भी जानवर जंगल के अंदर होते हैं सबसे ओरिजिनल कॉल जो होती है जब एक टाइगर को स्पॉट किया जाता है जानवरों द्वारा जंगल के अंदर वो एक लंगूर की होती है. तो हमने भी अभी वही कॉल सुनी है और हम सब के सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ियों का आना एक के बाद एक. और ये प्रॉब्लम जो है ये कॉबे टाइगर रिजर्व की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर टाइगर रिजर्व की प्रॉब्लम है कि जहाँ पे भी टाइगर को एक बारी स्पॉट करने के चांसेस होते हैं वहाँ पे सारे के सारे लोग अपनी गाड़ियाँ लगा के आ रहे थे बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सी द किंग ऑफ द जंगल. So this is Jhirna Forest Rest House. We have just entered the campus. अभी तक कोई luck नहीं था. We didn't spot a tiger. But still the safari is not over. We hope for the best. And rest we will keep you updated. And as you can see behind me, this is the Jhirna Old Forest Rest House. This was built in the year 1908. It's clearly written on the wall. You can see that. As you can see on the right hand side, these are all solar fencing. So why this is, in 2005 there was this person who runs a canteen in the Tikala campus and he was mauled by a tiger. He was taken away by a tigress. The tigress was right next to his shop. She dragged the person out and she took him to another place and the guy was just unconscious. He was helpless. He couldn't do anything. After that incident, the forest department decided to put fences in all the forest rest houses. This is for the protection of all the tourists and as well as for the forest officials. You can see those three calves playing so cutely. This is what COVID is all about. Nature at its best. This herd is just about 100 meters away from the Jhirna campus where we are.